हेलो एंड वेलकम टू ग्लेड्स। मैं इंजीनियर एचआर सारण, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ ग्लेड्स, आप सभी का एक बार फिर से ग्लेड्स फैमिली में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक संधि का पूरा जो नियम है उनको एक बार फिर से हम रिवाइज करने वाले हैं। हमने डिटेल में संधि को पढ़ा है, लेकिन एक ही वीडियो मैंने बोला था कि लास्ट में एक ही वीडियो में हम संधि के सारे नियमों को एक बार समझेंगे। ओके, तो आज एक ही वीडियो में संधि को कंप्लीट करेंगे। ओके, और इस वीडियो से आपका बेनिफिट ये होगा कि आपको सारे के सारे नियम एक जगह पर मिल जाएंगे। ओके, अगर आपको नियम याद है और अपवाद याद है और आप शब्दों को तोड़ना जानते हैं तो आप संधि आराम से सीख सकते हैं, आप हिंदी आराम से सीख सकते हैं, मैं ऐसा बोल सकता। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे सारे के सारे नियम हम एक बार देख लेते हैं। ओके, तो स्वर संधि, सबसे पहले तो हम बात करते हैं संधि कितने टाइप की होती है। तो संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ओके, तो एक बार मैं फिर से आप सभी को बता देता हूँ कि यहाँ पे हम पूरा का पूरा संधि एक बार डिटेल में हम पढ़ने वाले है। ओके, तो सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में बात करेंगे। ओके, तो स्वर संधि कितने टाइप की होती है। स्वर संधि पांच टाइप की होती है। ओके, जैसा कि आप जानते हैं स्वर संधि पांच टाइप की होती है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वर्दी स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाति स्वर संधि। ओके, और अब हम देखते हैं इनके जो नियम है वो सारे नियम हम देखते हैं। ओके, तो दीर्घ संधि का क्या नियम था। साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ओके, तो दीर्घ संधि का क्या नियम था देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने देखा था ए आ, ई बड़ा ई, ऊ बड़ा ऊ और री। ओके, और फिर हमने देखा था ए आई ओ आउ। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा इधर हो जाता हूँ। आपको सही से दिख रहा होगा। ओके, तो देखिए यहीं से हमने दो ग्रुप हमने बनाए थे। एक तो ये ग्रुप हमने बनाया था, इस ग्रुप का नाम हमने दिया था एक नंबर ग्रुप। ओके, और एक ग्रुप हमने बनाया था ये वाला, और इसका नाम दिया था हमने दो नंबर ग्रुप। ठीक है, तो ये एक नंबर और दो नंबर ग्रुप क्या था एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। और सबसे पहले तो आपका दीर्घ संधि का जो नियम था वो क्या था, ए या आ, ई या ई, ऊ या ऊ और री। ठीक है, ये अगर समान वाले मिलते हैं तो जुड़कर क्या बनता है, बड़ा वाला बनता है। देखिए मैंने आगे लिखा भी है, समान वाला जोड़कर बड़ा वाला बनाता है। ठीक है, यानी कि ए में अगर आ जुड़ जाए, ठीक है, तो क्या बनेगा, आ ही बनेगा। या मान लीजिए ए और ए जुड़ जाए तब भी क्या बनेगा, आ बनेगा। या मान लीजिए आ प्लस ए हो गया तब भी क्या बनेगा, आ बनेगा। या मान लीजिए कि क्या बच गया आपके सामने, आ प्लस आ हो गया। ठीक है, आ प्लस आ होगा तब भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। ठीक है, तो ये नियम था, बड़े समान वाला मिलकर क्या बनता है, बड़ा वाला बनाता है। ठीक है, तो ये आपका नियम था दीर्घ संधि का। ठीक है, तो दीर्घ संधि का नियम आप सभी को समझ में आएगा। जैसे एक मैं आपको उदाहरण देता हूं, राम धन अयन। ओके, तो रामायण इसका बन रहा था ना, ए और ए मिलके क्या बना रहा था, आ बना रहा था। ठीक है, तो ये आपका दीर्घ संधि का नियम था। ओके, फिर देखिए गुण संधि का क्या नियम था। गुण संधि का नियम था कि ये अब आपके इसके सामने क्या जुड़ेगा, ये पहला वाला ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल हमने बहुत ही आसान तरीके से संधि को हमने समझा था, और आज फिर हम नियमों का रिविजन हम कर रहे हैं। ओके, और एक ही वीडियो में हम करेंगे। ओके, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि एक ही वीडियो में पूरा संधि। ओके, तो बिल्कुल हम एक ही वीडियो में पूरा का पूरा संधि समझाने वाले हैं। ओके, और अपवाद आपको पहले ही लिखवा चुके, तो अपवाद इस वीडियो में नहीं रहेंगे, नियम सारे के सारे एक बार हम नोट कर लेंगे। ओके, तो देखिए गुण संधि का हम समझते हैं। ओके, तो गुण संधि हमारी क्या थी, ए और आ में अगर ई या ऊ या ऊ या री, इन सब में से कुछ भी आ जाता है तो ए ओ आर हमारा बनता था। ठीक है, कैसे, देखिए हमने बोला था कि ए और आ में अगर पहला ग्रुप जुड़ता तब तो कौन सी संधि होती है, गुण संधि, और ए या आ में दूसरा ग्रुप जुड़ता तब कौन सी होती है, वर्दी संधि होती है। ठीक है, तो ये दो हमने ग्रुप बनाए थे। ओके,
और पहले ग्रुप में क्या बन जाएगा, अगर ए या आ में पहला ग्रुप जुड़ता है तो क्या बनता है, ए ओ आर, ठीक है, और दूसरा ग्रुप जुड़ता है तो क्या बनता है, आई और औ बनता है, ठीक है। और ये वर्दी और गुण संधि हमने कंप्लीट ऐसे कर ली थी, ठीक है। तो देखिए कैसे बनता है, ए या आ में, ई या ई में से कुछ भी जुड़ गया तो क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। और ए या आ में से प्लस आपके ऊ या ऊ आ जाए कुछ भी, ठीक है, तब क्या बनता है, ओ बनता है, ठीक है, और री आ जाए तो अर बनता है, ठीक है। तो ये आपका था नियम गुण संधि का, और ऐसे ही वर्णी संधि का नियम था, ए या आ में ए या आई जुड़ता है तब तो आई बनता है, ठीक है, और ए या आ में ओ या औ जुड़ता है तो क्या बनता है, औ बनता है, ठीक है। जैसा कि आप नियम में आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे नियम आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। अब अगला देखिए यण संधि का नियम, ठीक है। तो यण संधि का नियम क्या होता है, अब मैंने बोला था कि अब इस बार क्या होगा, ए या आ, तो ए या आ से बाद में तो जुड़ गया, ठीक है। अब क्या होगा आपके सामने, आपके सामने ये होगा कि ए प्लस ए या आ में क्या जुड़ेगा, ए या आ में क्या जुड़ने वाला है, ये तो ए या आ में अगर कुछ भी जुड़ रहा है तो वो तो हो गया गुण और वर्दी संधि, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, फर्स्ट ग्रुप में कुछ भी ऐसे मान से बोला जाता है, फर्स्ट ग्रुप आपका कौन सा है, ई ऊ री है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट ग्रुप में कोई भी असमान स्वर आपके सामने आ जाता है तो आपका क्या बनता है, ये वह और रे बनता है, ठीक है। ये क्या थी, यण संधि थी। फर्स्ट ग्रुप क्या है, देखिए ई ऊ री, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप ये है, ठीक है, ई ऊ री, ठीक है। और इसमें कुछ भी असमान स्वर आता है तो क्या बन जाता है, ये वह रे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ई या ई के साथ कोई असमान स्वर आ गया मान लीजिए, ठीक है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा। ऊ या ऊ के सामने कोई साथ में कोई असमान स्वर आता है तो क्या बनेगा, वह बनेगा। और री के साथ कोई असमान स्वर आ जाता है तो रे बनेगा, ठीक है। तो ये थी आपकी यण संधि का नियम, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था अयादि संधि, ओके। अयादि संधि क्या होगा, ये जो दूसरा वाला ग्रुप है इसमें अगर असमान स्वर आ जाता है तो क्या बनेगा, अय आय औ आव, ठीक है। ए के सामने असमान स्वर आता है साथ में तो क्या बनता है, आय बनता है, देखिए ये लिखा हुआ है आय, ओके। और आई के साथ में असमान स्वर आता है तो आय बनता है, ठीक है। और ओ के साथ में असमान स्वर आता है तो क्या बनता है, औ बनता है, ये देखिए औ, ओके। और औ के साथ में असमान स्वर आता है तो आव बनता है, ओके। तो ये तो थी आपकी स्वर संधि, और स्वर संधि एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, स्वर संधि 5 टाइप की होती है, कौन कौन सी, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वर्दी स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, ठीक है। और इसी क्रम में इसको याद करना था, ओके। और फिर हमने एक ए आ वाली लाइन से हमने पूरी की पूरी स्वर संधि हमने समझ ली है, ठीक है। अब चलते हैं हम व्यंजन संधि पे, ओके। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, ओके ओके। तो अब हम समझते हैं व्यंजन संधि के बारे में, ओके। व्यंजन संधि के नियम हम समझते हैं, ओके। तो ये रही आपकी व्यंजन संधि, एक मिनट, तो ये है आपके सामने व्यंजन संधि, ओके ओके। देखिए व्यंजन संधि की एक सिंपल सी ट्रिक थी हमारे सामने, क्या ट्रिक थी, देखिए ट्रिक थी 3, 5 और 6 नमस्कार, ठीक है। 3, 5 था, 6 और तय, और आपको क्या याद रखना था, ने मैं और सह, ठीक है। ये क्यों याद रखना था, क्योंकि इन्हीं के सारे नियम हम पढ़ने वाले, ठीक है। तो पहला नियम क्या था, 3 का नियम था, ठीक है। तो 3 का क्या था कि वर्ण का तीसरा वर्ण आपका बन जाता है, ठीक है। और दूसरा नियम क्या था, 5 का नियम था, 5 का नियम क्या होता है, वर्ग का 5वां वर्ण बन जाता है, ठीक है। कब वर्ग का 5वां बन जाता है और कब वर्ग का तीसरा बन जाता है, यही हम समझने वाले हैं, ठीक है। देखिए जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, देखिए क, च, ट, त और प, ठीक है, इनमें से कुछ भी आ जाए, ठीक है, और उसके बाद में क्या आ जाए, प्लस तीसरा चौथा वर्ग का वर्ण आ जाए, ये रे ले वे है आ जाए, या सभी स्वर आ जाए, ठीक है। इनमें से कोई भी चीज आती है तो आपका क्या बनेगा, वर्ग का तीसरा वर्ण आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप पहला नियम आप समझ पाए होंगे, ओके। देखिए क, च, ट, त और इनमें से अगर कुछ भी आ जाए, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, ओके। देखिए ये रहा क, च,
ठीक है, और बाद में क्या है, तीसरा चौथा वर्ण है, ठीक है, यानी तीसरा चौथा वर्ण का वर्ण, जैसे मान लीजिए गय आ गया, ठीक है, कै खै गय है ना, गय गय हड़े, ये क्या हुआ, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हुआ, ठीक है, और कौन से ग्रुप का हुआ ये, तो मतलब कौन से वर्ग का हुआ, कै वर्ग का, ठीक है। और मान लीजिए ऐसे ही चै वर्ग का आ गया आपके सामने, जैसे जय जय और ये, ठीक है, यानी कि पहले के आ गया और बाद में जय आ गया, ठीक है, तब हम के का क्या बना देंगे, गय बना देंगे, ठीक है। तो यही आपका नियम है, यानी कि तीसरा आपका वर्ण बन जाएगा, ठीक है। अब अगला नियम क्या है, पांचवा वर्ण बन जाएगा, और पांचवा वर्ण कब बनेगा, देखिए देखिए पांचवा वर्ण कब बनेगा, जब यही सारे आ जाए, ठीक है, ये क्या सारे कै चै टै तै पे आ जाए, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है कै चै टै तै और पे, ठीक है, और प्लस में क्या आ जाए, मैं आ जाए, ठीक है, और या क्या बोल सकते हैं, अगर मैं आ जाए तो क्या बन जाएगा, वर्ण का पांचवा वर्ण आपका बन जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये नियम है और एक मैं का नियम है जो हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर प्लस में मैं आ जाए, देखिए अब मैं आ रहा है, ठीक है, मैं प्लस के बाद में आ रहा है, ठीक है, प्लस के बाद में आ रहा है मैं, तब तो क्या बनता है, वर्ग का पांचवा वर्ण बनता है, ठीक है। अगर प्लस के पहले अगर मैं आ जाए, ठीक है, और बाद में वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाए, ठीक है, और तो क्या बनेगा, मैं की जगह क्या बन जाएगा, उसी वर्ग का पांचवा वर्ण बन जाएगा। ये भी हमारा एक नियम है, ठीक है, और ये मैं के नियम है, हम अलग से भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगला नियम देखते हैं, देखिए अगला तीन नंबर नियम क्या है आपका, तो ये है आपका तीन नंबर नियम। तीन नंबर नियम क्या होता है, स्वर के साथ अगर छह आ जाए, ठीक है, स्वर के साथ क्या आ जाए, छह आ जाए, तो क्या बनता है, छह और जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये आपका है अगला नियम, ओके। तो ये नियम आप समझ पाए क्या, क्या है नियम, अगर स्वर आ जाता है, स्वर आ जाता है, ठीक है, और उसके बाद में क्या आ जाता है, छह आ जाता है, ठीक है, तब इनके बीच में क्या जुड़ जाएगा, छह और जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका नियम नंबर तीन है, ओके। और ये क्या था, कै सॉरी तीन पांच छह है ना, तो तीन का हो गया, पांच का हो गया, और छह का नियम हमने पढ़ लिया, ठीक है। छह का नियम क्या होता है, अगर छह से पहले, अगर छह से पहले, अगर छह से पहले कोई स्वर आ जाए, ठीक है, छह से पहले कोई स्वर आ जाए, तो क्या होता है, बीच में छह और जुड़ जाता है, ठीक है। और इसका उदाहरण जैसे मैं आपको देता हूं, तो आपका गुण यण संधि का हो गया, तो ये आप समझ गए होंगे, ओके। अगला नियम हम देखते हैं, तय का नियम, देखिए तीन पांच छह और तय, ठीक है, तो तय का नियम भी हम एक बार समझ लेते हैं, ओके। तो तय का क्या नियम होता है, देखिए ये आपके सामने तय के तीन नियम होते हैं, ठीक है, तो एक नंबर नियम हो गया ये, और ये है आपके सामने दो नंबर नियम, और ये है आपके सामने तीन नंबर नियम, ठीक है। तो तय के तीन नियम होते हैं, और तीन नियम कौन कौन से होते हैं, वही हम समझने वाले हैं, ओके। देखिए तय के साथ में अगर पहला से आ जाए, ठीक है, तय के सामने साथ में पहला से आ जाए, ठीक है, तब क्या बनता है, तय का तो बन जाता है छह, और छह का बन जाता है छह, ठीक है। मैं एक बार लिख के आपको समझाता हूँ, देखिए तय आ जाए और उसके बाद में आ जाए मान लीजिए से, ठीक है, और कौन सा से, पहला से आ जाए, ठीक है, तो क्या होता है, इस तय का तो बन जाता है क्या, आधा छह बन जाता है, ठीक है, और इस से का बन जाता है आधा छह, ठीक है। तो ये नियम आपका पहला नियम हो गया तय का, ठीक है। दूसरा नियम क्या है, तय आ जाए और उसके बाद में है आ जाए, ठीक है, देखिए दूसरा नियम तय आ गया और है आ गया, ठीक है, तो इस तय का क्या बन जाएगा, इस तय का तो बन जाएगा दय, ठीक है, और इस है का बन जाएगा दय। बस ये आपको नियम याद रखना है, कौन कौन से नियम हो गए, दो नियम, तय के कौन कौन से दो नियम हो गए, तय के साथ में से आ जाए तब क्या होता है, तय का तो क्या बन जाता है, तय का बन जाता है आपका छह, ओके, और सह का बन जाता है छह, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए तय आ गया और है आ गया, ठीक है, तो इस तय का तो क्या बन जाएगा, दय बन जाएगा, और इस है का क्या बन जाएगा, दय बन जाएगा, जैसा आप ऊपर देख पा रहे होंगे ना, देखिए तय का क्या बन गया, दय बन गया, और इस है का क्या बन गया, दय बन गया, ठीक है। तो ये तय के दो नियम हो गए, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बोल बोल के याद करवा दूंगा पूरे, है ना, और पहले आपने अगर ढंग से पढ़ रखा है संधि को तो ये नियम आपको ऑलरेडी याद होंगे, बस आप रिवीजन मेरे साथ कर रहे होंगे, ओके। तो अगला नियम देखिए, तीन नंबर नियम, तय के साथ में अगर चय आ जाए, ठीक है, तय के साथ में क्या आ जाए, चय आ जाए, या जय आ जाए, या टय आ जाए,
या डे आ जाए या दे आ जाए या ले आ जाए, ठीक है। इनमें से कुछ भी अगर आपके सामने आ जाता है तय के बाद में, ठीक है, तय के बाद में क्या क्या आ जाए, जय और जय, देखिए एक ही लाइन के जय और जय का तीसरा क्या है, जय, ठीक है, और फिर क्या टे, अगली लाइन का टे और डे, ठीक है, और उससे अगली लाइन क्या होती है, ते वाली होती है, लेकिन ते तो है पहली है ना, तो दे और ले, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ इसको, ठीक है, यानी कि ते के बाद में क्या आ जाए, चय जय टे डे दे और ले, ठीक है, इनमें से कुछ भी आ जाए, है ना, इनमें से कुछ भी आ जाए तो क्या करना है आपको, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, तय के तुरंत बाद इनको वापिस से लिख लेना है ना। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, उत्धन ज्वल, ओके, उत्धन ज्वल है ना, उत्धन ज्वल, ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, तय के स्थान पे क्या करना होता है, ये और लिख देना, ठीक है, यानी कि उत्धन ज्वल, तो ऊ और तय के स्थान पे क्या कर दिया, आगे जय आ रखा है ना, तो तय के स्थान पे भी क्या कर देंगे हम, जय कर देंगे, ठीक, तो उज्ज्वल बन जाता है, ओके, तो ये आपको नियम तीनों समझ में आए होंगे, ठीक है, ओके, और ये अगर आपको नियम याद है तो फिर आप कोई सा भी उदाहरण आप कर सकते हैं, ओके। अगला नियम हम देखते हैं, पांच नंबर नियम, ठीक है, तो पांच नंबर नियम देखते हैं, और पांच नंबर नियम कौन सा होगा, आप देखिए तीन पांच छह तय और अब होगा नए का नियम, ठीक है, तो नए का नियम क्या होता है वही हम समझ लेते हैं, ओके, तो नए का नियम होता है कि तीसरा अगर दूसरा से आ जाए, ठीक है, और प्लस में क्या आ जाए, नए आ जाए, ठीक है, तीसरा सॉरी दूसरा से आ जाए और प्लस में क्या आ जाए, नए आ जाए, या क्या आ जाए, या नए के पहले या बाद में री ये रे आ जाए, ठीक है, आप तो बस इतना याद रखो कि नए आ रखा है, ठीक है, नए कहीं आपको देख रखा है और नए से पहले या बाद में क्या आ जाए, से री आ जाए, ये आ जाए और रह आ जाए, ठीक है, इनमें से कुछ भी आ जाता है तो नए का क्या बन जाता है, रे बन जाता है, ठीक है, ये नियम आप समझेंगे, देखिए से री ये रे ये दिख जाए और आपको नए दिख जाए साथ में, ठीक है, तो इस नए का क्या बन जाता है, हणे बन जाता है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, देखिए देखिए रामधन आयन, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, रे आ गए, देखिए रे आ गए ना और बाद में नए आ गए, ठीक है, तो सिंपल इस नए का क्या बन जाएगा, हणे बन जाएगा, और दूसरी बात देखिए नए भी आ गया और इससे पहले ये भी है ना, तो दो दो चीजें हमको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, तो यहाँ पे तो बनना ही पड़ेगा इसको, है ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, रामायण, रामायण, ठीक है, और ये रामायण कैसे बन गया, देखिए ए और ए बन गया तो आ बन गया, ठीक है, माँ की मात्रा होगी यहाँ पे, ठीक है, और आगे ये है और इस नए का क्या बन गया, हणे बन गया, ठीक है, तो यहाँ पे दो संधियां आपको दिख रही होगी रामायण में, ओके, और अगला नियम हम पढ़ते हैं मैं का नियम, देखिए तीन पांच छह तय न मैं से, ठीक है, तो मैं और से का नियम पढ़ते हैं, ठीक है, मैं का क्या क्या नियम होते हैं, तो मैं के आपके सामने तीन नियम होते हैं फिर से, ठीक है, पहला नियम ये रहा, ये है दूसरा नियम और ये है आपका तीसरा नियम, ठीक है, तो मैं के क्या क्या नियम है देखते हैं, एक मिनट मैं नीचे कर रहा हूं, ओके, देखिए मैं का क्या क्या नियम होता है, देखिए मैं के हमारे सामने तीन नियम होते हैं, कौन कौन से नियम होते हैं, मैं के बाद में अगर कोई वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाए तो मैं की जगह उसी वर्ग का क्या कर देते हैं, पांचवा वर्ण जुड़ जाएगा, ठीक है, और ये हमने तीन पांच वाले नियम में भी समझा था, क्या समझा था, अगर मैं आ गया, ठीक है, देखिए मैं आ जाता है, थोड़ा सा और मैं नीचे करता हूं, अगर आपके सामने मैं आ जाए और उसके बाद में क्या आ जाए, वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाए तो क्या बन जाता है, वर्ग का कोई वर्ण आने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कह है, कुछ भी आ जाए वर्ग, यानी कह से लेकर पे वाली लाइन में से कुछ भी आ गया मैं के बाद में, ठीक है, तो मैं की जगह पर क्या बन जाता है, उसी वर्ग का पांचवा बन जाता है, जैसे मान लीजिए कह आया तो हड़े बन गया, ठीक है, चय आया तो ये बन गया, ठीक है, ये किसके स्थान पर होना है, मैं के स्थान में, ठीक है, तो मैं आपको नियम समझा रहा हूं और ध्यान से समझिएगा, ओके, अगला नियम क्या है, मैं के बाद में, अब देखिए वर्ग तो आ चुका ना, वर्ग के अलावा कुछ भी आ जाए, ठीक है, मैं के बाद में ये, वर्ग के अलावा क्या होते, ये रे ले वे है से है ना, से तरह ये है, ये सब होता है, ठीक है, सॉरी, तो मैं का क्या हो जाता है, अनुस्वार बन जाता है, ठीक है, तो मैं का क्या बन जाता है, अनुस्वार बन जाता है, ठीक है, तो ये आप समझ पाए होंगे, और अगला आपका क्या है, देखिए
सम आ जाए और उसके बाद में क्री धातु से बनने वाला कोई शब्द आ जाए तो से का इसमें क्या हो जाता है, मैं का तो अनुस्वार बन जाता है और से और जुड़ जाता है, ठीक है। जैसे एक इसका मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ, जैसे मान लीजिए सम धन कार, ओके सम धन कार, ठीक है सम धन कार, तो सम धन कार, कार क्या है, क्री से बनने वाला कोई शब्द है, ओके यानी क्री से बनने वाला धातु हम बोल सकते हैं शब्द नहीं, ओके। तो सम धन क्री से बनने वाला कोई धातु हो जैसे सम धन कार, ठीक है, तब क्या होता है उस मैं का तो बन जाता है अनुस्वार और बीच में एक तीसरा स और जुड़ जाता है, जैसे सम धन कार, ठीक है, तो स और मैं का क्या बन गया अनुस्वार, तो स के ऊपर चला गया मैं, ओके, तो संस स और अदर से बीच में जुड़ गया संस्कार, संस्कार बन गया, ठीक है। तो देखिए मैं लिख के बताता हूं आपको, संस्कार ये बन जाएगा, देखिए किसका थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, समधनकार का क्या बन जाएगा, संस्कार आपके सामने बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मैं का तीसरा नियम हो गया। चलिए अब अगला समझते हैं सह का नियम, ठीक है। तो अगला नियम है आपके सामने सह का नियम, तो सह का क्या नियम है समझते हैं। चलिए तो ए या आ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर आ जाए और उसके बाद में तीसरा सह आ जाए, ठीक है, ए या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए और उसके बाद तीसरा स आ जाए तो स का क्या बन जाता है, दूसरा स बन जाता है, ठीक है। इसका उदाहरण जैसे इसका क्या उदाहरण हो सकता है, अभिषेक, ओके, जैसे देखिए अभी धन क्या हो जाए, तीसरा सेक, ओके अभी धन सेक, ठीक है, तो अभी सेक आया और उसके बाद में क्या हो जाता है, स आपका दूसरा बन जाता है, ठीक है, अभी और सेक कौन सा बन जाता है, दूसरा, ठीक है, सेक, यानी कि पहले क्या आया ई आया ना, ई के बाद में क्या आया से आया, ठीक है, तीसरा से आया तो तीसरे से के स्थान पे क्या बन गया, दूसरा से आपका बन गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, ओके। और अगला अगले थोड़े से और समझ लेते, देखिए दूसरा से आ जाए और उसके बाद ते या ते है आ जाए तो क्या बन जाता है, ते का तो टे बनता है और थे का बनता है ठे, ठीक है, ये भी आपका नियम है, ओके। अगला नियम देखिए, अगला देखिए कुछ ऐसे शब्द है जो आपको समझने चाहिए, ओके। तो अगला क्या है, देखिए कसे को कैसे लिखते हैं, कै धन सह लिखते हैं, और त्रे को कैसे लिखते हैं, तय धन रे लिखते हैं, ओके, एक मिनट, और गे को कैसे लिखते हैं, जय धन ये लिखते हैं, और श्रे को लिखते हैं सह धन आधा रे, ठीक है, सॉरी आधा सह धन रे, ठीक है, और ये पहले आधे ते, ठीक है। देखिए कसे को कैसे लिखते हैं, मैं एक बार बता देता हूँ, कसे को लिखते हैं आधा कै धन सह, ओके, और त्रे को कैसे लिखते हैं आधा तय धन रे, ठीक है, और ये कैसे लिखते हैं, देखिए जैसे मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए आधा दे धन धे, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, दे के नीचे दे लिखते हैं, क्यों, देखिए दे के नीचे दे है, इसका मतलब है कि दे आपका आधा है और धे आपका पूरा, ठीक है। ऐसे ही हम मान लीजिए तय के नीचे, अब देखिए तय आधा है और रे आगे पूरा, तो इसका मतलब क्या होगा, रे नीचे चला जाएगा ना, और नीचे जाएगा मतलब नीचे कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो ये क्या बन गया, तय का त्रय बन गया, ठीक है। तो ये भी आपके लिए नई चीज हो सकती है, ओके। और उसके बाद में है गे, ओके, तो ये क्या बन जाएगा, जय धन ये, ओके, इसको बोलते हैं जे जे, ओके। और उसके बाद में है श्रे, ओके, श्री, जैसे ये हो गया श्रे है ना, तो से और रे, ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं, ओके। अब चलते हैं हम विसर्ग संधि की ओर, ठीक है। तो ये एक बार ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद था कि आपको सारे नियम है वो एक बार याद हो जाए पूरे के पूरे, ठीक है। अगर नियम याद है और अपवाद याद है फिर आपको कोई रोक नहीं सकता संधि में प्रश्न सही करने से, ठीक है। तो चलिए विसर्ग संधि हम पढ़ते हैं और आगे निकालते हैं, एक मिनट का समय दीजिए। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे का हम अब देखते हैं विसर्ग संधि का, ओके। तो ये आ गई आपके सामने विसर्ग संधि, ओके। और विसर्ग संधि में आपके सामने करीब करीब 5-6 नियम है, ठीक है, तो यही हम समझ लेते हैं, ओके। तो
तो सबसे पहले विसर्ग संधि में आता है ए का नियम, और आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं सबको व्हाइट कर देता हूँ। तो अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, देखिए व्हाइट कर दिया है मैंने पूरा का पूरा। तो विसर्ग संधि हम समझने वाले हैं, ओके। देखिए विसर्ग संधि, ओके। तो विसर्ग संधि में क्या क्या नियम है, देखिए सबसे पहला नियम है आपके सामने ए का नियम, ठीक है। तो ए का क्या क्या नियम होते हैं, देखिए ए के भी आपके सामने चार नियम होते हैं, ठीक है। देखिए एक नियम ए का ये रहा, ओके, एक नियम ये रहा, और एक नियम ये रहा, और एक नियम ये रहा, ठीक है। तो पहला नियम क्या है, ए के बाद में क्या आ जाए, तीसरा चौथा पांचवा वर्ग आ जाए, यानी कि तीसरे वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए, ठीक है। इसका मतलब ये है, ओके, ए के बाद में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए, और ये रे ले वे है इनमें से कुछ भी आ जाए, ठीक है, ए के बाद में, ठीक है। ए आ गया और उसके बाद में विसर्ग आ गया, ठीक है, और उसके बाद में आ गया तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ गया, ठीक है, और ये रे ले वे है आ गया, ओके। तो ए और विसर्ग का क्या बन जाता है, ओ बन जाता है, ठीक है। ए और विसर्ग दोनों का क्या बन जाता है, ओ आपका बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका ए का पहला नियम है, ठीक है, ये आप समझे होंगे। ए और विसर्ग का क्या बन जाता है, ओ बन जाता है, देखिए इस पूरे ए और विसर्ग का क्या बन जाता है, ओ बन जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है आपके सामने, ए आ जाए और फिर से ए आ जाए, ठीक है, ए आ गया, विसर्ग आ गया और फिर से ए आ गया, ठीक है, तब आपका क्या बन जाता है, ए और विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, ठीक है, और अगले जो ए आता है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको लिख के समझाता हूं, ये आ गया, मान लीजिए ए आ गया और उसके बाद में फिर से ए आ गया, ठीक है, तब इस ए का तो क्या बन जाएगा, इस ए का बन जाएगा ओ, और इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, ठीक है, ये आपका नियम है, ठीक है। और पहला नियम आपका क्या था, ए आ जाए उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ग का वर्ण आ जाए, ये रे ले वे है आ जाए, और तब क्या बन जाता है, ए का ओ बन जाता है खाली, ठीक है। और अगली कंडीशन क्या थी, ए आ जाए और उसके बाद में ए आ जाए फिर से, तो ओ बन जाता है ए का, तो और दूसरे ए का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, ठीक है। तो ये आप समझ पाए होंगे इतना, ओके। अगला क्या है, अगला नियम देखिए, ए आ जाए और ए आपको छोड़कर कोई सा भी अन्य स्वर आ जाए, ठीक है, तब क्या होता है, विसर्ग का लोप हो जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए हमारे सामने मान लीजिए ए आ रखा है और इसके बाद में मान लीजिए ई आ गया, ठीक है, मेरा कहने का मतलब ए आपको छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, ठीक है, तब आपका क्या होगा, इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, सेम टू सेम रहेगा बाकी का, ठीक है। तो ये आप समझ पाए होंगे, ओके। और अगला क्या है, अगला है आपके सामने ए आ जाए और आगे क ख प और फ आ जाए, ठीक है। तो ये क्या है आपके सामने, देखिए मैं आपको लिख के बताता हूँ, ए आ गया, विसर्ग आ गया, प्लस क्या आ गया, क ख प और फ आ गया, ठीक है, तब आपका क्या होता है, सेम टू सेम होता है, ठीक है, सेम टू सेम रहेगा, यानी कोई भी बदलाव नहीं करना। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे देखिए अंत धन करण, ओके, यहाँ पे क्या है, देखिए ए आ गया ना, ए आ गया, बाद में क्या आ गया, विसर्ग आ गया, उसके बाद में क्या है, क, ठीक है, तो इसका क्या बनेगा पता है क्या, इसका बनेगा अंतःकरण, ओके, ये बनेगा इसका अंतःकरण, ओके। तो ये आपको समझ में आया होगा, ओके। देखिए अगला नियम हम समझते हैं, दो नंबर नियम हम समझते हैं, ओके। तो दो नंबर नियम हम समझते हैं, ओके। दो नंबर नियम आपका क्या है, ए आपको छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए और उसके बाद में विसर्ग आ जाए, ठीक है, ए आपको छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए और उसके बाद में विसर्ग आ जाए, और तीसरा चौथा पांचवा वर्ग का वर्ण आ जाए, ये रे ले वे है आ जाए या कोई स्वर आ जाए, ठीक है, तब आपका विसर्ग का क्या बन जाता है, रे बन जाता है, ठीक है, ये आप समझ पाए होंगे, ओके। और उससे अगला नियम हम समझते हैं, उससे अगला नियम है आपके सामने ई आ जाए और रे आ जाए, तो ई का क्या बन जाता है, बड़ा ई बन जाता है। देखिए यहाँ पे ये दोनों नियम है वो क्या है, मिलते जुलते नियम है, ठीक है, कैसे मिलते जुलते हैं तो देखते हैं। देखिए यहाँ पे तो आपके सामने है कि ए आपको छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आ जाए, ठीक है, और उसके बाद में क्या आ जाए, विसर्ग आ जाए, ठीक है, और उसके बाद में आ जाए तीसरा चौथा पांचवा वर्ग का वर्ण आ जाए और ये रे ले वे है आ जाए। ये देखिए ये पहला नियम और ये नियम आपको सेम सेम नहीं लग रहा क्या, इसमें तो क्या है ए आ गया, ठीक है, और इसमें क्या आ गया, ए आपको छोड़कर अन्य स्वर आ गया, ठीक है, और इसमें क्या बन रहा था, इसमें बन रहा था ओ, ठीक है, और इसमें क्या बन रहा है, विसर्ग का क्या बन रहा है, रे बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका माइनर सा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा दोनों नियमों में, ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, ओके। चलिए अगला नियम हम समझते हैं,
तो ये तो था रे का मतलब एआ को छोड़कर अन्य कोई सौर आ जाए और विसर्ग आ जाए, तीसरा चौथा पांचवा हरण आ जाए और ये लेव है आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं सभी स्वर भी, ठीक है। तब तो क्या बन जाता है, विसर्ग का बन जाता है, रे बन जाता है, ठीक है। अदरवाइज देखिए एक यहाँ पे और नियम है, क्या नियम है, छोटा ये आ गया, ठीक है, विसर्ग आ गया, उसके बाद में रे आ गया, ठीक है, तो इस छोटे ई का क्या बन जाता है, बड़ा ई आ जाता है, ठीक है। मैं एक बार लिख के आपको बताता हूँ, देखिए छोटा ई आ गया, विसर्ग आ गया, प्लस में अगर रे आ जाए तो इस छोटे ई का क्या बन जाता है, बड़ा ई बन जाता है, ठीक है। ये आप समझे होंगे, देखिए क्या है आपके सामने, देखिए ई आ गया छोटा ई, ठीक है, छोटा ई आ गया और प्लस में क्या आ गया आपके सामने, रे आ गया, तो इस छोटे ई का आपके सामने क्या बन गया, ई बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला नियम हम समझते हैं, नियम नंबर आपके सामने ये रहा चार, ठीक है। चार नंबर नियम क्या है, से से और से का नियम है, ठीक है। तो से और से का क्या नियम होता है, तो मैं थोड़ा सा स्लाइड को नीचे करता हूँ, तो ये आपका लास्ट नियम है और विसर्ग संधि कंप्लीट, ओके। तो चलिए समझते हैं इस नियम को, ओके। तो नियम क्या है, से और से का नियम क्या क्या नियम है, मैं एक बार आपको फिर से आपको लिख के बताता हूँ, ओके। तो तीन तीनों से का नियम है और अलग, ये पहले से का नियम है और ये दूसरे से का नियम है और ये है तीसरे से का नियम, ठीक है। तो देखते हैं क्या है नियम, तो पहले से का क्या नियम होता है, देखिए मैंने शुरू में बोला था कि च और छ और स ये तीनों एक से ही लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपके सामने, मान लीजिए सवर आ जाता है और विसर्ग आ जाता है और उसके बाद में च या छ या स में से कुछ भी आ जाता है, तो इस विसर्ग का क्या बन जाएगा, आपका पहला से बन जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका नियम से का, ठीक है। तो आप समझे होंगे विसर्ग का क्या बन जाएगा, पहला आपका से बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा नियम क्या है, अब इस बार क्या है, क ख ट ठ प और फ, इससे पहले अगर ई या उ आ जाए, ठीक है, ई या उ आ गया, या ऐसे बोल सकते हैं कि ई या उ आ गया और उसके बाद में विसर्ग आ गया, ई या उ आ गया उसके बाद में विसर्ग आ गया, उसके बाद में क्या आ गया, क ख ट ठ प और फ, ठीक है, क ख ट ठ और प फ, ठीक है। तब क्या हो जाता है, तब इस विसर्ग का क्या बन जाता है, इस विसर्ग का बन जाता है दूसरा से, ठीक है। तो ये दूसरे से का नियम आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अब तीसरे से के दो नियम है आपके सामने, ठीक है। तीसरे से के कितने नियम है, देखिए एक नियम और दो नियम है, ठीक है। पहला नियम क्या है, ए आ जाए और उसके बाद में विसर्ग आ जाए और उसके बाद में क प आ जाए, ठीक है, तब इस विसर्ग का क्या बन जाता है, स बन जाता है, ठीक है। और दूसरा नियम क्या है, सवर आ जाए और कोई सही सवर आ जाओ चाहिए, ठीक है, और उसके बाद में विसर्ग आ गया और उसके बाद तय या तीसरे से में से कुछ भी आ जाए, तब आपका विसर्ग का क्या बन जाएगा, सह बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे नियम हो गए और मैं चाहता हूं कि एक बार आप ये लास्ट में आप स्क्रीनशॉट आप सभी ले लें, ओके। तो मैं ऊपर से नीचे तक स्लाइड को रन कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके, और सारे नियमों का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ओके। तो यहां से आप स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूं। देखिए ये है आपके सामने स्वर संधि का, तो यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्वर संधि का, ओके। देखिए स्क्रीनशॉट से क्या होगा, एक बार आप पूरा का पूरा नोट भी कर सकते हैं रिवीजन के लिए, ओके। तो अब चलते हैं हम व्यंजन संधि की ओर, और व्यंजन संधि में आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके। तो तीन नंबर नियम तक आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके आगे बढ़ते हैं और सात नंबर नियम तक आपका हो चुका।
तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। कि चलिए आप विसर्ग संधि का भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो ये है आपकी विसर्ग संधि। ओके, तो विसर्ग संधि का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब विसर्ग संधि में से का नियम और बच गया। ओके, तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो ये आपने सारा क्या पढ़ा है, संधि के नियम है उनका शॉर्ट लिस्ट आपने पढ़ लिया है। ओके, और आप सभी को अच्छे से समझ में भी आया होगा। ओके, और मैं कोशिश करूंगा कि इसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दी जाए। ओके, ताकि आप सभी अच्छे से पढ़ पाओ। ओके, और मैं आपको एक पढ़ने का आपको तरीका भी बता देता हूँ कैसे पढ़ना है आपको। ठीक है, कैसे आपको संधि के सवाल करने हैं ताकि आपका संधि का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। ठीक है, तो आपने नोट्स तो बनाए होंगे। ओके, अगर नोट्स आपने बनाए हैं तो आप नोट्स से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो लास्ट में मैंने जो शॉर्ट नोट आपको ये आज की क्लास में बताया है, ठीक है, तो ये आप भूलना मत। इसको आप एक पेज में लिखना और उस पेज को दीवार पे चिपका लेना। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करो, ठीक है, तो आपको ये एक एक पेज आपके पास में रखना है। ओके, और नियमों का लिखा हुआ पेज अगर आपके सामने होगा और आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपको जहां पर भी आपको डाउट आ रही है, ठीक है, तो तुरंत आप नियम देखिए और लगाइए नियम। ठीक है, नियम देखिए और लगाइए, नियम देखिए और लगाइए। ठीक है, तो ऐसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपको नियम भी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक तरीका हो सकता है पढ़ने का। ओके, और इससे आपकी संधि का सवाल एटलीस्ट आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरे से पढ़ते उपसर्ग और समास और बाकी सारी भी हिंदी व्याकरण पढ़नी है तो एक बार जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा कि पढ़नी है कि नहीं। ओके, ताकि हम और भी आपके वीडियो बना सके। और एक बार ये भी बताइएगा कि हिंदी का टेस्ट आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम लाइव टेस्ट भी करवाते हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। क्लास टेस्ट हमने 04 करवाया था, वो एक बार जाके देख लीजिए, क्वालिटी वो रहेगी। और मैं आपके लिए टेस्ट भी अरेंज करवा सकता हूँ। ओके, तो अगर आपको चाहिए टेस्ट तो मैं अरेंज करवा सकता हूँ। ठीक है, लाइव टेस्ट आप दे सकते हैं और अपना गूगल फॉर्म में लास्ट में भर के भी आप अपना परफॉर्मेंस है वो चेक कर सकते हो। ओके, तो आज की क्लास को इसी के साथ यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप सभी इतनी देर जुड़े रहे तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन स्वस्थ रहे, आप दिन मस्त रहे, आप स्वस्थ रहे। ओके ओके दोस्तों, थैंक यू।